मामा मुझे भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं आलू के सी कबाब, जो कि नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलें देखें ये मेरी रेसिपी, ये मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उबले आलू लिए थे 1 किलो और इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। नमक डालेंगे इसमें हसबे जैका, 1 चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें ये कुटी मिर्च, 1 चाय का चम्मच डालेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला, 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें जायफल जवती का पाउडर, 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें सफेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, और पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये है, 1 प्याज मैंने ली थी, इसको ग्रेट कर लिया और इसका अच्छे से पानी निचोड़ लिया है, और यहाँ पे 2 छोटे से इसकी प्याज ली थी, इनको फ्राई करके ना तो मैंने कुंडी में कूट लिया है। तो ये फ्राई करके प्याज लाजमी डालना है, इससे ना टेस्ट बहुत मजे का आता है। तो ये दोनों डाल देंगे इसमें, और यहाँ पे ये देखिए 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा, इसको मैंने भून लिया, अब इस तरह हाथों से क्रश कर लेंगे। भुना हुआ डालना अपने साबुत जीरा इसमें। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना मैंने लिया, इसको मैंने काट लिया था, तो ये डाल देंगे। दोनों ही मिक्स मैंने इकट्ठे ही काट लिए और धो लिए थे। 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे। और ये 3 खाने के चम्मच नींबू का रस है, ये भी डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे 2 चाय के चम्मच, और अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे चावल का आटा। आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से ना वो मजा नहीं आएगा, इसलिए ये चावल का आटा लाजमी डालना। ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के जितना, और अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये जब मिक्सर में हल कर रही हूँ, तो यकीन माने इतने मजे की खुशबू आ रही है ना, कि रियल में जो सीख को आप चिकन के नहीं बनते वैसी खुशबू आ रही है। तो ये मैं आपके साथ आलू की शेयर कर रही हूँ, जो कि निहायत ही मजेदार बनेंगे, आप इसको पार्टी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तमाम मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हाथों को ऑयल से ये ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा पेड़ा मैं उठाऊंगी, तो इसको इस तरह राउंड पहले करूंगी मैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक सीख है, क्योंकि इसे हम सीख कबाब बना रहे हैं, तो इसको वो शक्ल देनी है सीख कबाब की। अब क्या करेंगे, इस तरह ये इस तरह हम लंबाई में इसको शेप देते जाएंगे। ये देखें, हाथों की मदद से ऐसे भी करेंगे ताकि इसको ना प्रॉपर एक शेप आ जाए सीख कबाब की। तो अब इसको हम उतार लेंगे सीख से। तो आराम से प्रेस कर करके उतारेंगे तो ये उतर जाएगा। ये देखेंगे कितने आराम से ये उतर गई सीख, ये देखेंगे। तो इसी तरह मैं ना बना के रखती जाऊंगी सारे। तो लें जी, यहाँ पे ये सारे सीख कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब इन्हें 1.5-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, थोड़े से ये ठंडे हो जाए, टाइट हो जाए, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन कबाबों को मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में, तो अब मैंने इनको निकाल लिया, फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने फ्राई पैन में बिल्कुल हल्का सा ये देखिए ऑयल डाला, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना। तब ये कबाब इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पे ये देखिए, बस मैं इतने ही डालूंगी कबाब ताकि ये ना अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये एक तरह से गोल्डन होते हैं, तो फिर मैं इनको पलटूंगी तो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया इनको डाले, तो मैं चेक करती हूँ। इसके अंदर हमने चावलों का आटा डाला, तो ये इसलिए बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे वो आलू के कबाब बिखर जाते हैं, तो आप लोग इसके अंदर ना बाइंडिंग के लिए कोई ना कोई चीज़ डाला करें। चावलों का जो आटा है वो बेस्ट चीज़ है। और इन कबाब को ना बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, तो ऐसे ही हमने गोल्डन कलर लाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक कबाब हो गया रेडी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने गोल्डन कर लिया सारी तरफ से। तो अब इसको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए जी, ले जी, यहाँ पे ये सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो और यहाँ पे ये देखिए ऑयल भी चेक कर लें, बिल्कुल भी आलुओं का मिक्सचर नहीं निकला, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो ये मैं आपको एक ना चेक कराती हूँ तोड़ के, बहुत ही मजेदार बने हैं। ये देखिए,
तो मैंने अभी बनाते ये चखे थे, बहुत ही जबरदस्त इनका जायका है। तो एक दफा ये लाजमी ट्राई करना, तो आप भी कहेंगे वाकई कोई रेसिपी आपने बताई है, बहुत मजेदार ये बने हैं। तो ले जी तैयार है बहुत ही मजेदार ये आलू की सीख कबाब, आप भी अपने घर में ये लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपका मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज। वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस।